गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा था कि रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज ब्लॉग को देख शुरू। आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। मैं छत पे गया हुआ था कि छत की सूरत हाल देख लेते हैं क्या है, तो छत पे तो कोई नहीं मजा आया जाने का, बहुत ज़्यादा धूप था ऊपर तेज। तो मेरी तरफ से आप सबको फिर से जुम्मा मुबारक। इंशाल्लाह आज हम या मस्जिद जुम्मा जाएंगे जुम्मा पढ़ने, या हम जाएंगे मस्जिद कुबा में जुम्मा पढ़ने। तो वीडियो में साथ ही जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपने होटल से निकल चुके हैं और हमारा प्रोग्राम बना है कि हम जाए मस्जिद नबवी। साइकिल का भी मेरा दिन रह चुके हैं, आज आखिरी दिन है, लेकिन साइकिल मैं नहीं निकालूंगा। साइकिल इंशाल्लाह अगला हम पैकेज लेंगे, इंशाल्लाह फिर निकालेंगे। आज का आखिरी दिन रह चुका है, पापा भी साथ साथ है, मैं भी जा रहा हूँ, हम पास चलते हैं मस्जिद नबवी पढ़ेंगे जा रहे हैं इंशाल्लाह। A few moments later, ये गैस पहुँच चुके हैं हम मस्जिद नबवी में। सामने वो देखी जा रहा है और इधर से पानी पिए, गला मेरा बहुत ज़्यादा पानी की आस कर रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है और पानी पीते हैं। नीचे वाला रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, ये देखें बंद है और अंदर जगह नहीं है, बाहर भी जगह नहीं है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, मैं भी ऊपर चलता हूँ तो जल्दी जल्दी ऊपर जा के आ तो चुके हैं ऊपर, और ऊपर भी थोड़ा खाली जगह है, ऊपर आके प्यास लग चुकी है पानी पीने में। छत पे आके बैठ गए हैं, याद होगा आपने जहाँ हमने ईद भरी थी ना, ये वही बरांडा है, इस जगह हमने ईद भरी थी तो यही कूलर थे जिनकी सर्दी बहुत लग रही थी। आपको वीडियोज आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी मेरे चैनल पर जाके ईद का व्लॉग जरूर देखें। ऊपर खाली जगह, नीचे रश बहुत ज्यादा है, नीचे फुल पड़ा था। नमाज के बाद देखें खाली होना शुरू हो चुका है और उधर गुंबद भी खुल चुके हैं, ये देखें ये गुंबद भी खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं उधर से क्लियर नजर आएगा, ये देखें। पहले हमने जुमा पढ़ लिया, जुमा पढ़ के मैं नीचे आ चुका हूँ, खाली हो गया, काफ़ी देर बाद आया तो ये हम ऊपर से बड़ा प्यारा था गुंबद खिजरा का व्यू, वो भी किसी दिन दिखाऊंगा। ये देखें A few moments later, पहले कल तो माशाल्लाह जुमेरा जुमा था और आज हफ्ता है तो पानी हमारा फिर से खत्म हो चुका है, तो पानी में बढ़ने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ पहले बार देख लिया होगा पानी। लिफ्ट भी आ रही है जीरो पे, अभी आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। तो आप ये ना समझिएगा मैंने सूट तीन चार दिन से उतारा नहीं है, मैं तीन चार ब्लॉग इसी सूट में, क्योंकि पहले मैंने ब्लॉग के अंदर छुट्टी की है और उसके बाद ये दोबारा इसकी बारी आ गई सूट की। लिफ्ट भी ऊपर चलेगी है, ये तो ऊपर चलेगी, आप ऊपर से नीचे आएगी। तो ये है कि आप लोग पानी भरते हैं, हम भर के फिर अपना काम देखते हैं क्या। ये मदीने की गलियों की रौनक है सुबह सुबह, तो ये लोग अपने अपने लोग काम पे जा रहे हैं, तो लोग कुछ नमाज पढ़ के अपने अपने घरों में जा रहे हैं, कुछ वॉक करके अपने घरों में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं
बोतलें भरने, तो जल्दी जल्दी बोतलें भरते हैं जाके। बोतलों में भी 10-15-20 मिनट लग जाते हैं, फिर हम हाथ थक जाते हैं, और मसला नहीं उठाने का या भरने का, हाथ थक जाते हैं। इतनी ऊंची उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है, इसे पकड़ के जब रखना होता है ना तब लग पते जाते हैं। कैमरा रखने की जगह नहीं, आंखों में दिखाता। इसके जो ये प्लास्टिक के हैं ना, ये प्लास्टिक के जो हैं ये बड़े दर्द करते हैं। और 5 लीटर एक बोतल के अंदर पानी आता, अंदाजा लगा ही सकते हैं कितना पानी बन जाता। और ये मस्जिद है, इसकी बैक साइड पे टूटी है। इधर तो हर घर के अंदर खजूर का पौधा लगा, जिस घर के आगे सेहन है या बड़ा बरांडा बना है। और आप कहीं भी देख लें, कहीं भी देख लें, किसी गली में भी देख लें, गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी होंगी। जहाँ गाड़ी पहुँच जाती है ना, वहाँ गाड़ी में खड़ानी ज़रूर होती है। ये इधर आगे पानी भरने के लिए बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जी भाई, आप देख सकते हैं कि जितनी भी गलियां रलती हैं। अब ये देखें, इस घर में भी एक पौधा लगा हुआ खजूर का। उसके बाद एक पीछे भी आपको इसी घर में मैंने दिखाया, इस घर में भी पौधा लगा हुआ खजूरों का। मेरे कपड़े भी गिले हो गए हैं, ये पानी भरते भरते तीनों भर गई हैं। और इस टाइम लोग पानी भरते हैं पीते हैं, तो वहाँ चिकड़ू आया, इसलिए फिर वो मैंने बोतलें वहाँ नहीं रखी, यहाँ रखी हैं। और वो देखें, ये सामने भी त्रिकुबा है, आप जिधर से भी जिस गली से भी देखें त्रिकुबा ही आती है हर तरफ से। सारी आप जिधर से भी चेक करें त्रिकुबा आती है। अब अपना होटल चलते हैं, पानी उठाते हैं। हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए हैं, एक हाथ से पकड़ के जब भरनी पड़ती है ना, लग पते जाते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं उठा के लेके जाता हूँ। ठीक है, लिफ्ट आते हुए मिल गई है, तो हम जल्दी जल्दी रख लिया अंदर। आपको हाथों का हाथों खाता हूँ, ये देखिए रेड हो गए हैं हाथ, ये भी हो, ये बोला हाथ भी। तो इसे ऊपर लेके चलते हैं, तो ऊपर जाके देखते हैं कि जहाँ जगह, फिर नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना, ब्लॉग एंड करना है। ठीक है, कमरे में पहुंच चुका हूं, तो आके बिस्तर वगैरह सेट कर लिए थे मैंने पहले ही, पानी लेने जाने से पहले मैंने बिस्तर सेट कर लिए थे। और एसी भी अब चलाया मैंने आगे, बाहर थोड़ी गर्मी गर्मी थी, अंदर आकर सुकून मिला। तो व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, आपको इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।